नमस्ते, गुड नमस्ते आफ्टरनून, नमस्ते गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लाउड। काफी जगह से लोग आज यहाँ इस लाइव सेशन के लिए मौजूद है। ट्यूसडेज विथ प्रोफेसर राम गोपाल बजाज, वी स्टार्ट द सीरीज टुडे। आज बजाज सर के साथ हम बातचीत करेंगे। शुरुआत में कुछ समय तक उनके साथ लाइव बातचीत होगी। आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क हिम क्वेश्चंस, ही वुड बी हैप्पी टू आंसर। एंड देन वी हैव अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ हिज कॉन्वर्सेशंस विच वी विल अपलोड ऑन दिस पेज, विच यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बजाज सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। आज आपने टाइम निकाल के आए हैं, इसलिए धन्यवाद। और आज हम ये आईपार के पेज पर, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के पेज पर लाइव जा रहे हैं और काफी लोग आएंगे और सवाल भी पूछेंगे। जब भी कोई सवाल पूछता है मैं आपको बताते जाऊंगा। बट टू बिगिन विथ, आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट रादर देन मी सेइंग एनीथिंग। अब विषय तो बहुत सीधा सरल है कि आपकी जीवनी और आपका कला प्रवास, इस विषय में आप बातचीत करें। तो आप जैसे भी बात शुरू करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से बोलना चाहते हैं। नमस्कार और धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा उद्विग्न भी हूँ, एक अच घाबरलो है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम इस विधा में मैंने कभी किए नहीं, तो ये नहीं मालूम काय करना, काय 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 बोलू मी। तो मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे निकट काम शब्द और काव्य का रहा है, और जिसी से मैं अभिनय को भी मानता हूँ। तो उसी प्रसंग में मैं ये कहूँ कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय वांग्मय या के चिंतन में और धर्म दर्शन और उसके पाखंड में भी ओम ओम शब्द का, लेकिन बीच में जब एक कंट्रोवर्सी सी हुई थी, ओम तो किसी धर्म का है, मुझे लगा ही नहीं कि ओम धर्म और किसी चीज से संबंध रखता है। ये तो औ उ और म जो अनुनासिक स्वर है, इसका संयुक्त रूप है, तो ये एक कॉस्मिक जिसको कहें नाद है, संस्कृति का, सृष्टि का नाद है, और इसका बोध स्व की देह और चेतना के लिए इसका अभ्यास बहुत लाभदायक होता है। इसलिए मैंने तो इसको अपने स्पीच की ट्रेनिंग का हिस्सा माना, और अक्षरों को भी, और अक्षरों में स्वर और व्यंजन को भी। अब ये बात मैं करूं तो फिर ये 1.5 घंटा 2 घंटा इसी में आधा दिन निकल जाए, इसलिए मैं सीधा आता हूं कि अभिनय और नाट्य के लिए, इस क्षेत्र में आने के लिए, उन शब्दों, उन प्रार्थनाओं या श्लोक मंत्र जिस भी भाषा में हो, अब दुर्भाग्य या सौभाग्य से मुझे थोड़े बहुत संस्कृत के और हिंदी के आते हैं। जैसे एक प्रार्थना है, शायद विष्णु का वर्णन है वो, यह है ना वो गगन सदृश्यम शांताकारम शांताकारं भुजगशयनम शांताकारं भुजगशयनम। भुजगशयनं सुरेशं। या अब ये देखिए, शांताकारम शांत का आकार। अब ये शांत जो भाव है उसको रूप में बांधना, गगन सदृश्यम, तो इसकी कल्पना यदि हम अपने दैनिक जीवन में करें, तो जो
संवेदन है या कि मतलब माहित नहीं कि जो संवेदना है वो व्यापक होती है और जीवन को यदि संवेदन यदि व्यापक नहीं हुआ तो जीवन व्यापक कैसे होगा। हम बहुत एक पैसे में इतनी सब्जी दो पैसे में इतनी सब्जी आए रे तो शांताकारं भजगशयनं गगनसदृश्यं। दूसरी तरफ हम जब कहते हैं ओ आ ई इ स्वर और व्यंजन और इसका जब हम उच्चार करते हैं ये करते हैं तो हमारे में व्याप्ति होती है, संकुचन होता है, विस्तार होता है। इस सबसे मैं जुड़ा रहा और इसलिए मैं अभी मेरे सामने आ गई मुक्तिबोध जी की एक कविता, आपने नाम सुना होगा, हमारे बहुत हिंदी साहित्य के बहुत 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 महत्वपूर्ण कवि हैं, अल्पायु में चले गए 70s 60s में, गजानन माधव मुक्तिबोध। मूलतः वो महाराष्ट्र के ही थे, हिंदी क्षेत्र में उन्होंने काम किया और लिखा। उनकी आज मैं कुछ रचनाएं पढ़ रहा था और मेरे सामने आ गया, शीर्षक है इसका, मुझे मालूम नहीं। मुझे नहीं मालूम सही हूं या गलत हूं या और कुछ, सत्य हूं कि मात्र मैं निवेदन सौंदर्य, धरित्री व नक्षत्र तारागण रखते हैं निज निज व्यक्तित्व, रखते हैं चुंबकीय शक्ति पर स्वयं के अनुसार। गुरुत्व आकर्षण शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ। तो अब गुरुत्व स्वामित्व का उस आकर्षण का अलग से प्रयोग करने की सामर्थ्य सितारों में नहीं है, वो भी किसी चुंबकीय शक्ति का कोई महानियम होगा जिससे बंधे हुए हैं। वैसे ही हम जीव बंधे हुए हैं, यह नहीं होता है उनसे कि जरा घूम घाम आए। क्या सितारे घूम घाम करके वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसी प्रकार हम जो व्यक्ति जीव हैं, अपने अपने स्थान पर हैं, अपने समाज में हैं, परिवार में हैं, किसी प्रांत में हैं, ग्राम में हैं, राज्य में हैं, देश में हैं, लेकिन देश में होते हुए पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी इस महाकाश में है। तो इस तरह से हमें विचारना चाहिए और इस मानसिक व्यापकता की तरफ नहीं जाएं तो हमारा कलाकर्म पूरा नहीं होता। इसी प्रकार मैं एक छोटा सा अंश अंधेरे में जीवन क्या जी किया, जीवन क्या जिया, क्या किया, बन गए व्यभिचारी के बिस्तर, घावों को तगमों सा पहना। तो हमारे जो हमारे जीवन में दुख होता है, घटनाएं होती हैं, और उसको हम विस्तृत करके मेडल की तरह से सजाते हैं और वाहवाही पाते हैं, ये क्या बात है। संवेदन आए उससे, औरों की संवेदना से जुड़ो। और इस दृष्टि से दिनकर का काव्य देखिए, जिसमें उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा था, महाभारत को दोहराना उनका काम नहीं, लेकिन युद्ध की समस्या सारे, इसके बाद आदमी युद्ध करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि देह को आत्मा से नहीं जीत सकते, देह के युद्ध को, लेकिन आत्मा का जो विमर्श है या संसर्ग है या आपको सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। अब ये तो
आत्मा और मन का विस्तार होना ही चाहिए, और उसमें उन्होंने जिसके आधार पर अंधा युग आया था, अंधा युग आपको विद्या याद होगा, आप विद्यार्थी थे और आपने सहयोग किया था जब मैंने अंधा युग किया था बिल्कुल, वहां। बिल्कुल, बिल्कुल, तो दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, नहीं कोई भी एक पक्ष सत्य पर आधारित नहीं है। जब गीता में पूछते हैं वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवा किं कुर्वत संजय, तो संजय क्या जवाब दे कि किसने क्या किया, किसने पाप किया और किसने पाप नहीं किया। और यहां इसको लेकर दिनकर पूछते हैं कुरुक्षेत्र में, जो अंधा युग से बहुत पहले लिखा गया था और जो मैं आठवीं नौवीं जमात से अपनी आठवीं नौवीं क्लास से पढ़ता रहा हूं, तो कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय में जिसमें लिखा नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बच देश गई बच लाज सारे देश की। ये सारे देश की लाज बचना आज के संसार में विश्व मानव और देश का सम्मान, इसके बीच में कुछ तो सामंजस्य होने की आवश्यकता है आधुनिक मानव के लिए। आज कोरोना में हिंदुस्तान बच जाएगा और संसार समाप्त हो जाएगा तो हिंदुस्तान का क्या होगा, या संसार समाप्त हो जाएगा और हिंदुस्तान बच जाएगा तो भी क्या होगा। इस प्रकार से भाव और विचार को सोचने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें देश विदेश के तरह तरह के धर्म शास्त्रों को पढ़ना और उसकी पुनर्व्याख्या करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। इसी प्रकार गेहे जी की एक कविता है नाच, इसमें तीन एक मिनट लगेंगे, मैं ले सकता हूं? बिल्कुल सर, जरूर। ओके, बिल्कुल। नाच, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वह दो खंभों के बीच है, रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है, दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है, लोग सिर्फ नाच देखते हैं पर मैं जो नाचता हूं जो जिन खंभों के बीच है जिस पर जो रोशनी पड़ती है उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूं, मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं पर तनाव वैसा का वैसा बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं,
खंभे नहीं, रोशनी भी नहीं और तनाव भी नहीं। देखते हैं नाच। तो नाटक में जो घटता है, जो समाज से आया है, जो दर्शक पर बीतता है, जो नट पर बीतता है, वह नहीं देखते लेकिन नाटक देखते हैं। क्या देखते हैं नाटक? ये संभवतः इस कविता के द्वारा काव्य और कला प्रक्रिया की एक अलग तरह की व्याख्या और तीखा प्रश्न है। मैं और इससे भी बहुत ही विपरीत में आऊं, गिरीश कर्नाड जी का एक बहुत पुराना नाटक है जिसका अनुवाद मैंने 90-91 में किया था अलकाई साहब के लिए, जिसका नाम है, मैंने रखा था रक्त कल्याण। ये 12वीं सदी में जो बसवन्ना हुए थे ना, भक्त बसवन्ना, जिन्होंने शरणा संप्रदाय चलाया था ताकि ऊंच नीच जातियां ना रहें, इसमें सारे लोग शरणा कहलाएंगे, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन देखिए कि धीरे धीरे फिर वो शरणा संप्रदाय हो जाता है। हर धर्म आरंभ में एक संप्रदाय के रूप में, मुक्त के रूप में उठता है और बाद में वो संप्रदाय दूसरे संप्रदायों से द्वंद्व करता है, युद्ध करता है। इतिहास देख लीजिए, क्रूसेड भी शायद ऐसे ही शुरू हुआ था क्राइस्ट के बाद, और उन परंपराओं को देखें। उसी में एक जगह प्रश्न आता है कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, ये प्रश्न बसवन्ना से किया जाता है। और तब बसवन्ना बताते हैं कि मैं एक बार अलंब प्रभु के पास, जो उनके भी गुरु थे, उनके पास वो गए थे और उन्होंने क्या कहा। ये मैंने अनुवाद किया था, ये कोई 1.5 मिनट में आप पढ़ लें। ये विलक्षण है, अलंब प्रभु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये कर्नाटक के लोग तो जानते ही होंगे। कोई भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे के साथ बांध दिया है, ऐसे सूत्र से जो हमारी समझ से परे है। पर एक बात कहूं तुमसे, मैंने अब तक किसी से कही नहीं, सुनो। एक रात मैं और रहस्यवादी संत अलंब प्रभु बहुत देर तक रात बैठे हुए बातें करते रहे। मैं जानता हूं कि वे उन थोड़े से लोगों में हैं जिन्होंने परम पद प्राप्त किया है। तो घर में सब सोए थे, सन्नाटा था, अंधेरे में एक दिया जल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ये मैं क्या हूं, मैं इसे कैसे पहचानू। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो। और बिल्कुल उसी क्षण मेरे देखते देखते उनकी सारी जीवन लीला उनकी देह में से निकलने लगी, छाया पुतलियों की तरह, पंक्तियों के बाद पंक्तियां, उनका जन्म, बचपन, उनकी जवानी, वनवास में नर्तकी कामलता के लिए उनकी वासना, कामलता की मृत्यु, सब सड़े हुए एक कंकाल की हथेली पर उन्हें एक शिवलिंग मिला और फिर घटनाओं का तांता, एक विशाल शून्य जिसमें मैंने अपने को भी देखा, अपने संगियों को भी, सभी कुछ, न केवल साधारण या सामान्य या पवित्र या सुंदर, बल्कि
एक साथ साथ भीषण विभत्स राक्षसी कुरु कल्पनातीत था सब कुछ, जैसे किसी नदी में बासंती पुष्पों के साथ साथ गलित मांस कटे हुए अंग उखड़ी केशराशि पीप मवाद दुर्गंध विष्ठा, दुर्गंध और सुगंध परस्पर लिपटी हुई। मैं सह नहीं पाया, नहीं नहीं महासंत ये आप नहीं हैं, मैं चिल्लाया। वो मुस्कुरा कर बोले, तुम देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस सौंदर्य के आलोक में मैं विभोर हो गया। मैंने अपनी आंखें क्षण भर को बंद कर ली, और जब मैंने आंखें खोली तो वो गहरी नींद में सोए थे। हमने दूसरे दिन या फिर कभी इस बारे में बात नहीं की। अब भी ये स्मरण करके कंपन का अनुभव करता हूं। ये था अलम प्रभु का सत्य स्वप्न या स्वप्न दर्शन। ये हमारा जीवन सत्य प्राप्त करने का एक एक संक्रमण होना चाहिए, अन्यथा नट कुछ नहीं है, क्योंकि नट तो शिव है, और जो काल की दृष्टि से भूत वर्तमान और भविष्यत का संपुट है। अब कहो तो मैं कुछ आगे भी पढ़ता रहूंगा, वरना सर एक सवाल मन में आता है। पहले सवाल की तरफ जाने से पहले बता दूं, काफी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। कलकत्ता से अनुभा जी है, अनुभा फतेहपुरिया, हाँ जानता हूँ हमारी। डॉक्टर अजय जोशी पुणे से, वो भी ऑनलाइन है। इमरान भाई है दिल्ली से, आशी तेज का जिन्होंने काफी काम किया है। लावण्य कीर्ति सिंह जी है दरभंगा से। सब लोग आपको नमस्ते कह रहे हैं, हेलो कह रहे हैं, तो आप तक ये बात पहुंचा देता हूं। पहले आप अभी जो बातें कर रहे थे उससे मुझे, और आपने अंधायुग का भी जिक्र किया, हमारे साथ काम किया था, वो भी मुझे याद आया। तो अंधायुग की प्रस्तावना में धर्मवीर भारती जी ने जो लिखा है वो मुझे थोड़ा सा याद आ गया। उसका अंत उन्होंने ऐसे किया है कि ये तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है, और उसकी मर्यादा इसी में है कि वो पुनः व्यापक बन जाए। आप अभी जो बात कर रहे थे उससे मुझे वो चीज बहुत ज्यादा याद आ रही थी कि शायद आप जिस सत्य की बात अभी कर रहे थे, जिस सत्य को ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो आप अपने तरीके से जो निजी सत्य की खोज में लगे हुए हैं, वो शायद अभी धीरे धीरे फिर से पुनः व्यापक होता जा रहा है। वही शेयर करना होता है एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ, वो जहां तक पहुंचे। और जैसे वो है ना, एक बहुत पुराना मीर तकी मीर का, खंजर कहीं पर चले तड़पते हैं हम अमीर, कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो और वही बुद्ध है, वही महावीर है, वही वैष्णव जन तो पहने कहिए जो पीर पर आई जाने रे, या गुरु गोविंद सिंह की वाणी देखी जो वीरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुर्जा पुर्जा कट मरे तबों में छाड़े खेत। तो ये न्याय के साथ होना, सत्य के साथ होना, दुर्बल के साथ होना, पर पीड़ा के साथ संयुक्त होना, ये सारी दुनिया के जो भी महात्मा हैं उनके साथ है। और इस सारी चीज का विरोध करने वाले, हत्याएं करने वाले, गांधी को मारने वाले, लूथर को मारने वाले, लिंकन पर गोली चलाने वाले, ये हमीर में से तो हैं। गांधी को भुनाने वाले भी, गांधी को मारने वाले भी, ये इसको
कई 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 दृष्टियों से देखना होगा ना। और आज तो ये संभव ही नहीं है कि हम कूपंडूक होकर के, हालांकि मैं थोड़ा सा घबराता हूँ आपके इस माध्यम से, लेकिन इस माध्यम से ये संभव है कि आज ये बात जगत तक पहुंचाई जा सके। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की, विश्वे जाकी किछु महान कर औरधे कतार तुल्याश्च नारी औरधे कतार नर, या फिर दो दो कलकंठ में शक्ति मेरे बाल घाती नारी घाती सभ्यता को कर सकूं धिक्कार जर्जर, ये रवि बाबू ने कहा था और हम लोगों ने बचपन में सुना था। ये कैसे संभव है कि आप इस तरह का अन्याय होता रहे और समाज में कहीं कोई बोले नहीं और उसके लिए संन्यास धारण करे? तो वहां तो शस्त्र उठाना होगा, वहां तो राम की शक्ति पूजा जायज है। सर, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आज की स्थिति में, जो जिस स्थितियों में हम बैठे हैं, ये कोरोना वायरस कोविड का जो कहर पूरे दुनिया पर अभी छाया है, और सब लोग अपने अपने घरों में पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं पा रहे, और कलाकार है वो भी बड़े परेशान से बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में आप जैसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, किस तरह से इस सारी चीज को देख रहे हैं? अब ये कुछ जो भी कुछ हुआ है, ये मतलब ये संक्रमण तो एक, इसका रहस्य तो शायद बाद में ही खुलेगा, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमें राष्ट्र और विश्व चेतना के बीच में सामंजस्य बैठाना ही होगा, इसकी चिंता करनी ही होगी। और ये ही नहीं बल्कि मनुज और जीव, जब मनुज कहते हैं तो सिर्फ मानव योनि की बात आती है, लेकिन जब जीव की बात करते हैं तो समस्त प्रकृति में जो चेतन है उसकी बात आती है। तो उसके प्रति हम सभ्यता और विज्ञान की पीछे पड़ करके, और पीछे कहाँ पड़े, दरअसल विज्ञान से जो कुछ भी हमें वैज्ञानिकों ने दिया वो तो राजनेताओं के हाथ में आ गया। जो भी आविष्कार होते हैं, जो भी प्रकृति का रहस्य खुलता है, तो उससे हमें हमें चिंतन के स्तर पर बदलना चाहिए और उसको हमारी शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए, चेतना का। और मेरे मेरे मन में ये प्रश्न होता है कि आजादी के तुरंत बाद ये सही है कि गरीबी थी, ये सही है कि शायद साधनों की कमी थी, लेकिन जो नई पीढ़ी उस वक्त के जो बच्चे थे आजाद भारत में, जो पैदा नहीं हुए थे, 8-10 साल के थे या 6 साल के थे, वो चाहे दलितों के हों, तथाकथित माइनॉरिटी के हों, यथाकथित माइनॉरिटी के हों, ऊंचों के हों नीचों के हों, उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया, उनका उनके साथ आरंभिक शिक्षा क्यों नहीं आरंभ की गई? वो हम समझते हैं कि सारी भौतिक योजनाओं और आवश्यकताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो जब एक बार छूट जाती है तो पूरी की पूरी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, और वो नई पीढ़ी को तैयार करने में कम से कम 25-30 वर्ष लगते हैं सारे साधनों के बावजूद। और इस दृष्टि से हमने संविधान में जो प्रावधान किए, जो संविधान सभा ने किया, बाबा साहब अंबेडकर समेत सारों ने किया, वो यह कहीं छूट गया कि हम यह जो पीढ़ी छूट जाएगी वो क्या करेगी? ये धर्मवीर भारती जी की कविता है कि पराजित पीढ़ी का गीत, क्या पाएंगे प्रभु हम क्या पाएंगे, जब गति नायक की वल्गाएं निकलेंगी झूठ। कुछ इस तरह का है कि जिन लोगों के पीछे हम चल रहे हैं वो जब पाखंडी निकलेंगे और उनके जो उद्देश्य हैं वो झूठे निकलेंगे, तो हम जो हम सबकी आत्मा में झूठ, हम सबके माथे पर शर्म, हम सबके हाथों में टूटी तलवारों की मूठ, हम क्या पाएंगे प्रभु हम क्या पाएंगे? तो
जो आइडियलिज्म, जो सोशल आइडियोलॉजी, चाहे वो साम्यवाद से आई हो, समाजवाद से आई हो, मानववाद से आई हो, या हमारे धर्म दर्शन से आई हो, उसका इस्तेमाल अगर झूठा हो जाए, चाहे वो गांधीज्म हो या बुद्धिज्म हो या मार्क्सिज्म हो, सोशलिज्म हो, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस नीचे आती है और उसकी प्रैक्टिस में जो पीढ़ियां खप गईं, उनका क्या? इस जगह पर हमें आते आते 70 साल बीत चुके हैं। क्यों इतनी गरीबी है? क्यों इतना अन्याय, अपकर्ष है? किसान और लघु उद्योग, हमारे जो जो गांधी का स्वप्न था, भारत, हमारा स्वराज, हिंद स्वराज का, या कुटीर उद्योग का, जिस पर ग्राम पंचायत पास तो राजीव गांधी के समय में हुई, इसका इम्प्लीमेंटेशन नरसिम्हा राव जी ने शायद 92-93 में किया था, उसके नतीजे अब आने शुरू हुए हैं और होंगे। ये बहुत आवश्यक था, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता या चिंतक नहीं हूं, लेकिन इसका संबंध है मानव चेतना से, संवेदना से और हमारी पारस्परिकता से है। इसमें इतने षड्यंत्र, इतने विष बीज बो दिए गए हैं कि हम ये कोरोना के समय में भी हम संदेह कर रहे हैं कि इसने जानबूझ के कर दिया होगा, या वे लोग, एक वर्ग है जिसको ये समझाया जा रहा है कि तुम्हारे प्रति जानबूझ के किया जा रहा है। ये अवस्था एक देश की हो जाए या आदमियत की हो जाए, तो इससे ज्यादा गर्हित और निम्न क्या होगा? इसका मतलब है कि आजादी के बाद हमारे संस्कार और हमारा एजुकेशन गलत हुआ पीढ़ियों का, और ऐसी स्थिति में हम क्या नाटक करें? गली कूचे में नाटक करते हैं तो वो किसी न किसी पार्टी का प्रचार तंत्र हो जाता है उसकी वोटिंग के लिए। हम उनके चुनाव के लिए तो नहीं करना चाहते, जिन्होंने किया चाहे वो कितने भी प्रगतिशील थे, वो करते रहे, हम तो उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन ये आवश्यक है कि बच्चों को प्रारंभिक संस्कार दिए जाएं और वो सिर्फ एक चुने हुए वर्ग के बच्चे ना हों। उस दृष्टि से मुझे सांदीपिन ऋषि का आश्रम याद आता है, जहाँ सुदामा और कृष्ण एक साथ पले थे, बड़े हुए थे। तो ये बड़े छोटे, गरीब अमीर, तथाकथित दलित और अगड़े और पिछड़े, बहुजन से आने वाले और अल्प समाज से आने वाले, इनके बच्चों का एजुकेशन, लड़के लड़कियों का तो एक साथ होना चाहिए, ताकि वो अपने को सहपाठी महसूस करें, वो हमारी मानवता का भविष्य हो, ना कि हम, जो मन से तो ऐसा सोचते हैं लेकिन अभ्यास से, शरीर से और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की भ्रष्टता में जो हम पड़ गए हैं, उससे हम नहीं उग पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है। तो इसलिए जाती हुई पीढ़ियों के चिंतन को ले लो, उसके व्यवहार और व्यभिचार को छोड़ दो, ये आवश्यक है, वरना आने वाला भविष्य भी डूब जाएगा। असाचिव विचार तो है। सर, और एक सवाल आपसे यही यही पूछता मुझे सारा जो साहित्य मैंने, चाहे टॉल्स्टॉय का, चेकव का, गोर्की का, या शरद चंद्र, रवि बाबू, प्रेमचंद और बाद में अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, और अभी अभी मैंने एक पाठ किया गीतांजलि श्री का, रेत समाधि, कृष्णा सूक्ति, और संसार के बड़े बड़े लेखक, नाटककार, अंधा युग या उत्तर प्रियदर्शी या वेटिंग फॉर गोदो, सारों से यही तो निचोड़ निकल करके आता है कि ये अखिल ब्रह्मांड में हम जीव के रूप में अभी तक आगे हैं, और अखिल ब्रह्मांड में हम आगे हैं, और आगेपन का अगर
कि ये सूरत है तो बहुत निराशाजनक है और बहुत भयानक है। कहां पहुंचे हैं? बहुत सर, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपसे सवाल पूछने से पहले एक बार अपने दर्शकों से एक बात कर लूं कि अगर कोई भी बजाज सर से सवाल पूछना चाहता है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड देन बजाज सर कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। सर, आपसे एक बात और पूछनी थी कि आज की तारीख में जो भी अभिनेता बनना चाहता है वो बड़ा दुविधा में रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं थिएटर तो करना चाहता हूँ, टेलीविजन भी है, फिल्म भी है, ये एक नया मीडिया भी जिसके सामने हम अभी बैठे हैं वो भी चीज़ आ रही है, और इस चीज़ में उलझ जाता है और समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। कई बार यंगस्टर्स जो है वो इस तरह के सवाल पूछते हैं और फिर मतलब इस दिशा में जाता है, जो भी काम मिलेगा वो कर लेंगे। वही ठीक है, जो काम मिले वो करना चाहिए, करना पड़ेगा। आपने ये देह धारण की है, इस देह पर आप बुशर्ट भी पहन सकते हैं, बनियान भी, दिगंबर भी रह सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं, चादर पहन सकते हैं। इसी प्रकार से अभिनय किसी समय सिर्फ रंगमंच पर होता था। नहीं, गलत है। वैसे अभिनय हमेशा समाज में होता था, परिवार में होता था। रंगमंच में जो अभिनय होता था वो सत्य का निरावरण करने के लिए अभिनय होता था, और समाज में और परिवार में जो अभिनय होता था और होता है वो सत्य को ढांकने के लिए होता है। इस बारे में शायद हमारी निजी रूप में आपसे कई बार बात हुई हो, या मैंने शायद वो इंटरव्यू के समय में भी ये बात कही हो। लेकिन अब अभिनय आप जिस प्रसंग में पूछ रहे हैं वो सिर्फ रंगमंच नहीं है। रंगमंच के बाद तो रेडियो आ गया था, आकाशवाणी, और आकाशवाणी के बाद ही उसी के आसपास सिनेमा आ गया था, उसके बाद दूरदर्शन सिर्फ दिल्ली में आया, संसार में आया, और फिर सारे हिंदुस्तान में आया, तो दूरदर्शन भी आ गया, और अब हम वो टकू टकू ट्रा ट्रा के बाद जो टेलीग्राफ से के बाद हम लोग मैसेज वाली मशीन पर आए थे, फिर वो लैंडलाइन वाले टेलीफोन पर, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, और अब इस पर भी आ गए हैं। तो इसका सदुपयोग भी होना चाहिए और मानना चाहिए कि इसको हम छोड़ नहीं सकते, इससे पीछे नहीं हट सकते, और अभिनय का क्षेत्र व्यापक हो गया है। और कमिटमेंट जो होता है ना, अगर आप कहें कमिटमेंट नहीं है, तो कमिटमेंट माध्यम से हो या कथ्य से हो, ऑब्जेक्टिव से हो, तो आप जिस बात से जुड़े हुए हैं, जिस मूल्य से जुड़े हुए हैं, जो आपका उद्देश्य है, अभिनय आपका उद्देश्य है क्या? हमारा उद्देश्य होता है क्या? या कि वो माध्यम है, वो हमारी प्रकृति का हिस्सा है, ये तो ठीक है, लेकिन वो किसी न किसी तलाश में होगा। क्या तलाश रहे हैं आप? वो यदि अभिनय में नहीं मिलता, या यहाँ के अभिनय में नहीं मिलता, या फिर सिर्फ पैसे की कमाई करनी है, तो यार पंसारी की दुकान करो ना। आज तो पंसारी की दुकान आज भी खुली है, किराना शॉप्स कोरोना में भी खुला रहेगा, सिनेमा बंद हो गया, रंगमंच नहीं कर सकते। तो इसके प्रति हमें, मैं बड़ी बड़ा साफ कहता हूँ कि प्रतिबद्धता की यदि बात हो, माध्यम हमारी प्रतिबद्धता नहीं है। प्रतिबद्धता आपको, इसीलिए मैंने मानव मन की बात की, न्याय अन्याय की बात की, वह जो दलित है, वह जो उच्च वर्णी है, वह जो जिज्ञासा में है, ब्रह्म को जानना चाहता है, ये सबको देखना पड़ेगा। और वह जिसमें भी मिले, काव्य में मिले, उपन्यास में मिले, कविता में मिले, संगीत में मिले, नृत्य में मिले, टीवी में मिले, सिनेमा में मिले, समाज सेवा में मिले, जिसमें भी मिले वहां करना चाहिए। तो आई मीन थिएटर बाय इटसेल्फ, आई एम कमिटेड टू थिएटर, ब्लडी हेल, आई एम नॉट फॉर इट, इट्स होक्स। तो फिर मैं सवाल करूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया 80 साल की उम्र में आकर के पेंटिंग करने लग गए, क्या मतलब? ठीक है,
हम इतने दिन नाचना चाह रहे थे, नाच सकते थे, नाच लिया, अब हम गाना चाहते हैं, हमको गाने दो। इसलिए आपको जो करना है, हाँ, और ये जो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले मास्टर जी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो सिनेमा में भी जाएंगे और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाएंगे, तो बड़ा बहुत अच्छा है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या कहीं विद्यालय से नाट्य की और अभिनय की शिक्षा ली आपने, तो आप सिर्फ मंच कीजिए, मरिए वहां, आप सिनेमा नहीं कर सकते। बकवास है, माफ करा वाला। सर एक सवाल है, रोहन सचदेव, यंग एस्पायरिंग थिएटर प्रैक्टिशनर, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज दैट इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑन द सोसाइटी फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव? मतलब सोसाइटी के मानसिकता पर जो प्रभाव होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज की स्थिति में परफॉर्मिंग आर्ट्स का क्या कार्य हो सकता है समाज पर, व्यापक समाज पर लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स का की जो भूमिका कभी थी वैसी की वैसी आज नहीं है। एक बात, इस सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस संकट के बाद, जो कि पहली बार हम लोगों का जो भी ज्ञात इतिहास है, शायद वो क्या थे, डायनोसॉर्स थे ना, कौन थे, डायनोसॉर्स थे ना, बड़े बड़े जानवर जो थे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो गए थे। तो आज की धरती का डायनोसॉर कौन है? आदमी। तो आदमी को अभी समाप्त तो नहीं हुआ है, आदमी के सामने डायनोसॉर वाला संकट सामने आया है। तो इस एहसास के बाद आशा करनी चाहिए कि ये कोरोना महामारी जो भी है, इस पर धीरे धीरे काबू पाया जा सकेगा, और इसके बाद ये आदमी शायद दोबारा वो हरकतें नहीं करेगा जो इसने प्रकृति के साथ करी और अपने 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 अपनों के साथ करी। और इसलिए सारे साहित्य, कला और जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आशा करूं, कामना करूं कि बेहतर पड़े, क्योंकि यह तो वैदिक काल से हम लोग प्रार्थना करते आए हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमया, असतो मा सदगमया। तो हमें सत्य से, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तो इस अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का कोई रास्ता शायद सूझे, तो वो कोई ना कोई कवि, चितेरा, कोई लेखक लाएगा, और कोई राजनेता जो राजनीति में हो सचमुच में भी उसको उठाएगा, सिर्फ गांधी की चप्पल पहन करके गांधीवादी नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक और सवाल मुझे यहाँ दिख रहा है, विनोद कुमार जी ने पूछा है कि इन रियल एक्टिंग अपने जैसे दिखना या चेंज करना खुद को कितना सही है? मुझे ऐसे लगता है वो पूछना चाह रहा है कि खुद को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, मतलब अब कुछ ना कुछ तो, जब आप दूसरों के भाव ग्रहण करते हैं, पूर्व से लेते हैं, आप राम बनते हैं, रावण बनते हैं, तो आप व्यक्ति नहीं बनते हैं। व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता है, मूलतः वह भाव परिवर्तन होता है, कि आप अपने वर्तमान जो आपका प्रमुख भाव है जीवन का, आपके सामाजिक पारिवारिक जीवन का, उससे भिन्न भाव में चले जाते हैं। अब जैसे आप क्रोकोडाइल, घड़ियाल का भी रोल कर सकते हैं, बंदर का रोल भी कर सकते हैं, सांप का रोल भी कर सकते हैं, तो हम वो वृत्ति थोड़ी देर के लिए लेते हैं और छोड़ देते हैं, और वो वृत्ति ले करके हम वापस अपने बृहत वृत्ति में आ सकें,
ये क्षमता रहनी चाहिए। अन्यथा यह भी संभव है कि बहुत ज्यादा दुष्ट प्रकृति का काम करते करते ऐसा ना हो कि आपने जो भली प्रकृति थी वह भी दुष्ट प्रकृति हो जाए, लेकिन आमतौर पर देखा ऐसा नहीं गया है। मैं एक पॉपुलर उदाहरण लूं तो आप प्राण साहब को याद कीजिए ना, कितने बड़े एक्टर थे और वो सारे कितने बड़े विलन रोल किया करते थे और निजी जीवन में कितने वो मधुर और परहितकारी थे। तो ये ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ हम जब परकाय प्रवेश करते हैं तो एक तरह से दूसरा वस्त्र पहनने जैसा है ना। जब आप वस्त्र पहनते हैं तो उस वस्त्र से तो आपको छोटा बनना पड़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए छोटा बन जाइए, उसके बाद उसको बड़ा कीजिए और स्वयं जब निकलें तो पहले से बृहत्तर होइए और वो आपको बृहत्तर कर देगा, क्योंकि आप अपने स्वानुभव से कुछ अधिक अनुभूति प्राप्त कर चुकेंगे और दर्शकों को दे चुकेंगे, श्रोताओं को दे चुकेंगे, उससे आपके व्यक्तित्व में एक प्रसार आता है। मेरा ऐसा समझना है, शायद आपको उत्तर मिला नहीं मिला। नहीं, एक और सवाल है सर, नीलेश फड़ इन्होंने पूछा है, एक सेकेंड। हाँ, कौन कौन नाम? नीलेश नाम का लड़का है। एक एक्टर को कितने प्रतिशत डायरेक्टर्स एक्टर होना चाहिए और कितने प्रतिशत खुद के कैपेबिलिटी का? उसको जितना प्रतिशत अपनी कैपेबिलिटी के बारे में मालूम हो उतना प्रतिशत वो रहे, और जितना प्रतिशत वो निर्देशक को मानता है उतना उसको माने। और ये तो अभी का है कि हम निर्देशक को मानने लगे, आप खुद को डायरेक्ट कीजिए अगर निर्देशक पर भरोसा नहीं है तो, वरना कभी कभी तो ऐसा भी करना पड़ेगा कि आपको पूर्णतः निर्देशक पर छोड़ना पड़ेगा, वो कह रहा बाएं जाइए तो आपको बाएं जाना पड़ेगा। मैं ये कह दूं कि कला कर्म जो है ना वो प्रजातंत्र नहीं है कि बहुमत ने जो कह दिया वो सत्य है, न्यायालय में बहुमत सत्य नहीं होता है। इसी तरह से कला कर्म में सत्य आपकी तलाश है, आपका तादात्म्य है, आपकी अभिव्यक्ति है, पहुंचता है नहीं पहुंचता है। ऐसा कह करके मैं लोकतंत्र के विरुद्ध हूं ऐसा नहीं, लेकिन और ऐसे ही प्रेम संबंध में बहुमत क्या करेगा, वही जो किया था लिच्छवी गणराज्य के टाइम पर कि जो परम सुंदरी थी आपने तय कर दिया बहुमत ने, चूंकि बहुत सारे युवक उससे आकृष्ट हैं इसलिए उसे निजी जीवन बिताने का अधिकार नहीं है, उस सबकी भारिया होगी। तो लोकतंत्र प्रजातंत्र और बहुमतवाद पर अभी बहुत सारे विचार होने बाकी हैं। सर अभी अचानक काफी लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्या और एक दो सवाल ले सकते हैं? माला कहीं प्रॉब्लम नहीं, अड़चन नहीं। ठीक। तो आई कैन सी वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम आवर डियर फ्रेंड हैप्पी रंजीत। हेलो सर, अभी जैसा माहौल है बहुत दिन तक थिएटर होना मुश्किल लग रहा है, ऐसे में थिएटर आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए? ये उत्तर मैं नहीं दे सकता हैप्पी, यू आर इन अ हैप्पियर सिचुएशन एंड हैप्पियर इक्वेशंस नाउ, यू विल फाइंड बेटर आंसर्स एंड टेक्निकली यू आर मोर इक्विप्ड देन मी। मैं ये जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये है जो कर सकते हो उतना काफी है, जितना, क्योंकि मैं रंगमंच में भी शब्द और अर्थ भाषा पर ज्यादा जोर देता रहा हूं, तो मेरे लिए तो अगर मैंने आपको कविता या गद्य या कहानी पढ़ा करके सुना दी
तो वह भी एक प्रकार का, बल्कि एक प्रकार का क्या, एक परम प्रकार का नाट्य ही है, थिएटर ही है। अगर मैंने आपको चिंतन की ओर अग्रसारित कर दिया कि आप सोचने लग जाएं, तो आप सिर्फ महसूस ना करें, आप आपके इसमें भी कुछ चिंतन जागे जिसको लेकर के आप जाएं, तो ये हमारी बातचीत के द्वारा हो सकना चाहिए। और ये भी एक रंगमंच है, इसको आप थिएटर स्टेज स्टेज शब्द कहना जरूरी है क्या? रंगानुभूति होनी चाहिए ना, वो रंगानुभूति जो है वो अर्थानुभूति है। तो याद नहीं है लैला मजनू करते वक्त तुमने पूछा था कि ये नाम क्यों रखा मैंने ग्रुप का, शब्दाकार नहीं, संगीत तो शब्द ही आकार है, आकारा शब्द। मैं कोशिश कर रहा हूँ कभी कभी अच्छा टूटी फूटी मराठी बोलने की, शायद मुझे भी कोई मराठी में बोलने के लिए कोई एंट्री दे दे। सर, मैं अगला सवाल लेता हूं। साहित्य सहाय जी पूछ रहे हैं कि सर, वन शुड रीड एज मच एज पॉसिबल, बट इज देयर एनी वन प्ले विच इज अ मस्ट रीड फॉर ऑल एक्टर्स? अब ये सारे संसार के लिए एक उत्तर नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें भाषा शामिल है। तो मतलब जो अंग्रेजी वाले हैं वो शेक्सपियर नहीं पढ़ेंगे, या वेटिंग फॉर गोदो अगर अवेलेबल है जो कि फ्रेंच से आया था, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। इसी प्रकार जो भारत में हैं वो अशोक घोष की रचना नहीं पढ़ेंगे और कालिदास नहीं पढ़ेंगे, और युग को छोड़ दें, और यदि एक अंधा युग नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा? क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये मेरा मानना है, और जिसको जिस पर बड़ा विवाद हुआ था, और गिरीश कर्नाड जी ने दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 97 में शायद 96 में स्वीकार किया था और माना था कि मृच्छकटिक के बाद हिंदुस्तान में नाटिकाएं तो बहुत लिखी गई हैं, नाटक एक ही लिखा गया है और वो है अंधा युग। अपनी इसकी रूप जिसको स्ट्रक्चरल कह सकते हैं, कई कठिनाइयों और के बावजूद जो चिंता जो व्यापकता एक अंधा युग में आई है, वो सारे नाटकों को एकत्र कर लें तो नहीं आती। वो चिंता टैगोर की मुख्यधारा में मुझे दिखाई देती है, जो कि जिसको गिरीश नहीं मानते, और या कि वो है ना, एक और नाटक है उनका, लाल कनेर, रेड ऑयल एंडर्स, रक्त करवी, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, और गोरकी का लोअर डेस्ट, या कि डेथ ऑफ ए सेल्समैन, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, या आप ग्रीक नाटकों की तरफ जाइए, एंड कम टू चेकोव। तो आज के संसार में और ये 21वीं सदी में कोई एक नाटक अगर बताना हो तो आपकी हमारी चॉइसेस बहुत भिन्न हो जाएगी ना, क्योंकि आपकी रुचियां अलग हैं, आपका बैकग्राउंड अलग है, उसके साथ चुनना होगा। और वैसे ही कहें तो एक नाटक पढ़ना चाहिए तो महाभारत पढ़ो, सारे नाटक आ जाएंगे, समस्त मानवीय अनुभव महाभारत में, उसके बाद रामायण में, और सारी सारी मानवीय कामनाएं, द बेस्ट विशेज ऑफ ह्यूमैनिटी, गो टू ऋग्वेद and you will find it. All. कि क्या होना चाहिए, हमें यह कर दो, हे विश्वात्मा हमें ऐसा बनाओ। तो ये जो कामना है, ये जो काव्य है, वही तो नाटक है। नाटक के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी हमारी क्या विश है उसी को तो हम जाहिर करते हैं ना। बुद्ध को छोड़ करके जो ये कहते हैं कि मैं इच्छाओं का क्षमा न करो, जिसमें मैं अब शायद हैप्पी आपसे ये बात मैंने करी होगी
जिसमें धम्म पद में महात्मा बुद्ध ने एक चर्चा की है, पुत्ता मत्थि धनम मत्थि, ये पुत्र मेरा है ये धन मेरा है, अत्ता ही न अत्तनो, या आत्मा ही हमारी नहीं हमारे बस में नहीं है, कित्थ पुत्ता कित्थ कित्थ धनम, कुछ इस तरह का वर्णन है। तो वैसे ही आप अभिनय करना चाहते हो, दूसरे की इच्छाओं में घुसना चाहते हो, दूसरों के मोटिवेशंस को देखना चाहते हो, उसके साथ तादात्म्य और आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो, तो मैं माइंड एक्सरसाइज कराता हूँ ना कि आप क्या सोच रहे थे, अभी क्या सोच रहे थे, उसको काबू करो, भाव को काबू में करो, अपनी इच्छाओं को काबू में करो, उसके मोटिव्स को, अपने मोटिव को समझो और कैरेक्टर के मोटिव को समझो, जिसके बारे में स्टानिस्लावस्की ने भी बात की है, ये नाट्य दर्पण में आ चुका है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आत्मा आत्म पर संयम, और आत्म का संयम ही नहीं अध्ययन कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, और जैसे मैं अभी बताते हुए मैं हैप्पी रणजीत का वो कि वो मुस्कुराहट टेढ़ी सी देख रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, तो ये साथ साथ होता है। इस विस्तार तक एक्सरसाइजेज में अपना अपने जो तुम्हारे अब तुम गुरु हो अब, तो अपने चेलों को ये बताओ, तुम्हें धम्मपद तक जाना पड़ेगा, तुम्हें उपनिषदों में जाना पड़ेगा, उसके बिना अधूरा है सारा कुछ। क्योंकि मैं बहुत समझता था कि मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन हमें बहुत गलत शिक्षा दी गई है हमारे अपने शास्त्रों के बारे में और स्मृतियों के बारे में, बहुत गलत बातें बताई गई हैं, वो वहाँ नहीं है, और बहुत सारा कुछ तो मौखिक था, तो इसलिए जिसको जो सूट किया वो उसके नाम से लगा दिया, अरे वो विद्या ने तुम्हारे बारे में कहा, विद्या ने विचार ने कहा या नहीं कहा, उस उपनिषद में वो नहीं लिखा हुआ है, मनुस्मृति में वो नहीं लिखा गया है जो मनुस्मृति के बारे में कहा गया, क्योंकि मनुस्मृति कभी लिखी नहीं गई थी, कही गई थी। तो खास करके वेदों के बारे में तो और भी ज्यादा, ये श्रुति है वो तो श्रुतियों से चलता रहा है, लेकिन जो भी श्रुतियों का जो भी 10-5 किस्म के एडिशंस मिलेंगे आपको, पढ़िए उसको, देखिए क्या है उसमें। डू यू नो कि वशिष्ठ का एक वचन है, शायद 10वें मंडल में आता है, जहां वशिष्ठ कहते हैं ऋग्वेद में कि वहां, जिसका अर्थ यह है कि ध्वजा अपने अपने ध्वजा ले करके, अपनी ध्वजाएं ले करके लोग वहां एकत्र हो रहे हैं, भयंते भुवना, कि मेरा पूरी तरह से स्मरण नहीं है क्योंकि उतनी अच्छी संस्कृत नहीं आती, कि सारा संसार भयंते भुवना, सृष्टि कांप रही है, क्यों, क्योंकि ये तरह तरह के झंडे वाले, लाल पीले हरे नीले चौकटे, हर तरह के झंडे वाले वहां एकत्र हो रहे हैं, क्या होगा, महायुद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। तो हे इंद्र परम वरुण करके कुछ है, और जिसके आगे का अर्थ मुझको ज्यादा याद है, पंक्तियां कम याद है क्योंकि संस्कृत आती नहीं ठीक से, कि हे वरुण हे इंद्र, इनसे कहो कि अपने अपने ध्वज दंड लेकर के लौट जाएं, इससे किसी का भला नहीं होगा, पृथ्वी कांप रही है। समझ में आया, ये क्या आज की स्थिति नहीं है, सारी सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, किसी का मत कम भक्तों का किसी किसी कल्याण के पक्ष में नहीं होता, मत बटोरने के पक्ष में होता है, धरती कांप रही है युद्ध के मारे, दंगे हो जाएंगे, दंगे करवा दिए जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाते हैं, क्यों, आपका झंडा, मेरा झंडा, तेरा झंडा, मेरा लाल काला नीला, चांद वाला सूरज वाला क्रॉस वाला, इट इज देयर इन ऋग्वेद। और वहीं पर एक और मंडल में ये भी कहा गया है कि चार या पांच व्यक्तियों के धन के
के पास जितनी सामग्री होती है भोजन की, उससे अधिक पांच व्यक्ति के बराबर अगर कोई एक जना संग्रह कर लेता है तो वह समाज का शत्रु है, वज्र लेकर के उन पर टूट पड़ोगे। मुझे बताइए कि संपत्ति और इसके पक्ष में कहाँ है भारतीय पुराचन जो भी मानस है, चिंतन है, वह तो संग्रहवादी नहीं था। हमारी धार्मिक आस्था जो मूल दर्शन है वह संग्रह का नहीं था, विग्रह का था, निग्रह का था। कहाँ होगा कि आज के 3,500 साल पहले जिस कोरोना के लिए आज आप मुंह बंद कर रहे हो कि आपके मुंह में कोई मच्छर ना आ जाए, जैनी इसलिए पत्तियां बांधते थे मुंह में कि कोई मच्छर मारा ना जाए। तब ये इस तरह की जीव के प्रति आप ढकोसला भी कर सकते हैं, कुछ हद तक ढकोसला बन भी जाता है। जब आदर्श बहुत ऊंचा होता है तो उसकी प्रैक्टिस और आदर्श में बहुत फर्क पड़ जाता है, जो हम अपने धर्म में भी देख सकते हैं और दूसरे तमाम धर्मों में भी देख सकते हैं। लेकिन हमें हर धर्म की ऊंचाइयां लेनी चाहिए, हर चिंतन की ऊंचाइयां लेनी चाहिए। और ये अभिनेता का, नट का कर्म है कि वह उन ऊंचाइयों से जुड़े, आसमानों से जुड़े, तारों से जुड़े, ऊंचे ऊंचे विचारों से जुड़े और विचारों को भाव बना करके ग्रहण करे, ताकि आप एहसास के स्तर पर जब निकलें तो सिर्फ पात्र नहीं, एक चिंतनशील व्यक्ति होकर के बाहर निकलें, जो जिसमें कि सारे संसार का दर्द समाया है। खंजर चले कहीं पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अगर दूसरों का दर्द आपके जिगर में नहीं है तो आप कहाँ के अभिनेता और कहाँ के कलाकार और काहे के कवि और काहे के धार्मिक। इस अर्थ में धर्म, काव्य, कला, नट सबका क्षेत्र एक है, आत्म का विस्तार, आत्म का समन्वय, समन्वय विश्लेषण। और सर, एक आखिरी सवाल लेता हूं, अभी काफी सवाल है लेकिन मैं 4 घंटे बैठ सकता हूं नहीं, हैप्पी आ गया तो आई एम हैप्पी। ये सवाल प्रतीक जी ने पूछा है कि गुड इवनिंग सर, डू यू थिंक वी आर मूविंग अवे फ्रॉम ईस्टर्न अप्रोच और स्ट्रीम टुवर्ड्स एक्टिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स वेस्टर्न मेथड्स एंड अप्रोचेस? डू यू थिंक both these streams have a convergence point between both? अच्छा, वेस्ट में जो पैदा होता है उसको आदमी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अफ्रीका में जो पैदा हुआ वो आदमी है या नहीं है? और जो तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, बॉम्ब लेकर के जो हिरोशिमा पर जिसने गया था, चसायर एंड क्लॉड एथरली, वो आदमी थे या नहीं थे? थे तो आदमी ही की शक्ल में ना, आदमियत थी या नहीं ये और बात। तो इसलिए हर जगह जहां जो चिंतन हुआ है, जो शैलियां हुई हैं, उनके अपने अपने स्थान के कारण उनकी अपनी अपनी अपने तरीके हैं, लिपि है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, हरेक को हरेक की अपनी जगह होगी। और कभी भी संसार में सिर्फ एक भाषा तो होगी नहीं, कभी भी संसार में किसी एक तरह की वेशभूषा नहीं होगी, कभी भी पूरे संसार में एक तरह की जलवायु और तापक्रम नहीं होगा। लेवल ऑफ हीट, लेवल ऑफ कोल्ड अलग अलग होगा, ये प्रकृति का नियम है, शाश्वत है। और इस नियम में कोई परिवर्तन न प्रकृति कर सकती है, न विज्ञान और ना ही कलाएं। वो सिर्फ मानसिक आलाप है, संवेदन का, संवेदना का प्रश्न जरूर है,
तो संवेदना में उन्होंने भी कोशिश की है सपोज करने की। स्टानिस्लावस्की ने भी कहा है मैजिक, इफ इफ आई एम अ डॉग, इफ आई एम फीलिंग कोल्ड, इफ आई एम एन ओल्ड मैन। वहाँ भरत में और अपना जो विश्वनाथ है अग्नि दर्पण वाले, उन्होंने चारियों की बात की है, अपने अभिनव गुप्त ने सत्य सच्चिदानंदम शिवम शिवोहम शिवोहम की बात की है। तो अल्टीमेटली एम तो खुश रहना है, आनंद प्राप्त करना है, लेकिन दूसरों के दुख से जुड़ करके उसके बाद व्यापक होना है। इसके बारे में हमारे यहाँ चिंतन ज्यादा हुआ है और पाश्चात्य चिंतन जितना भी मैं जानता हूँ और मेरी जानने की भी सीमा होगी, तो मेरी जानकारी के अनुसार हमारे यहाँ इस पर चिंतन ज्यादा हुआ है, जिसका उपयोग मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ अपने छात्रों के साथ। मैंने उनको कभी कह करके और कभी उनको बिना कहे किया है, उसके प्रभाव अच्छे ही हुए हैं, देख पा रहा है। लेकिन इसको पॉइंट ऑफ डिबेट या पॉइंट ऑफ सुपीरियरिटी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, कि जब भी जो आइडिया जहां आ गया जिसको, वो मान्य होना चाहिए। आई मीन अब्राहम लिंकन ने जो किया था उसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? जो सबको मताधिकार देना है बराबर का, भारत के संविधान में जो चीजें बाबा साहब ने डाली उसको कौन इनकार कर सकता है? उसके उद्देश्यों पर देखना चाहिए कि कभी कभी हम उसके मूलभूत उद्देश्य से भटक जाते हैं, तो हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन होता है ना, वैसे ही कृष्ण ने भी कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते पुनरुत्थानाय धर्मस्य संभवामि युगे युगे। ये क्या है? क्या वो सचमुच में कृष्ण आएंगे, बार बार जन्म देंगे? नको रे, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि हमने एक समय में मानव के लिए एक इलाके में ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी स्थिति हो तो ऐसा कर लेना, लेकिन आज के 1000 साल बाद 2000 साल बाद नए उपकरण आएंगे, नई स्थितियां पैदा होंगी, कोरोना आएगा और बाद में कोरोना की दवाई भी आ जाएगी, तो उस पर नए नियम और नए ढंग से उसको अप्रोच करना पड़ेगा। वह जो नए ढंग से अप्रोच करना पड़ेगा, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज द पुनरावतार। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाइएस्ट आइडियल, हाइएस्ट आइडियल इज द ओनली द अवतार। वो अवतार क्या होता है? अवतार में हम अपने जो आदर्श हैं उस अवतारी पुरुष में या कल्पना में, साहित्य के द्वारा, धर्म के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा उस पर मढ़ देते हैं। जिस दिन वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, प्रैक्टिकेबल नहीं रह जाता, उसको हमें बदल देना चाहिए। नया पैगंबर पैदा होगा, क्या बात है। तो इसी प्रकार से कोई अभिनय का और मानवीय संवेदना का कोई कोई अंतिम रूप कोई नहीं कह सकता। और हम सिर्फ दो पांव वाले रहेंगे ये किसने कह दिया? पहले चौपाए थे, हो सकता है एक टंगा हो जाएंगे, हो सकता है आज के 2 करोड़ साल बाद ये देह यष्टि एक खोज का विषय होगी। ये सारी कल्पना काहे नहीं करते भैया, सिर्फ बंबई आवे का। All right, sir. So we come towards the end. Is online for today. End for today. अभी के लिए, अभी के लिए. और ये Tuesdays with ऐसी सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं, इसका ये पहला पुष्प था. इस जिसमें बजाज सर आए और हम सबसे सर ने बात की है. बजाज सर के साथ एक इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया है, वो आज का ये सेशन खत्म होने के बाद वो भी अपलोड हो जाएगा, वो भी 1.5 घंटे का है, तो जरूर उसे भी
ये सारे मुझे गालियां देंगे भाई, एक साथ क्या करते हो, वो तो कौन नहीं नहीं बर्दाश्त नहीं सर, करेगा किसी वो एक आदमी को, है अगर ना। देखे तो लोग और सुनना चाह रहे हैं, काफी कमेंट्स आ चलो रही है ठीक लोगों की। और ठीक अगला अगला सेशन जो है वो 12 मई को होगा। सीनियर थिंकर एजुकेटर एंड क्रिटिक डॉक्टर श्यामला बनारस से विल बी हियर विद अस, एंड ऑन 26th में विल हैव टोबियस बियंको ने, सीनियर पोएट थिएटर प्रैक्टिशनर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, ही विल बी जहां हियर विद अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो प्लीज कीप कमिंग बैक टू दिस पेज एंड वॉच आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बजाज सर के साथ तो बातचीत जारी रहेगी और आगे भी चल के देखते हाँ, हैं कैसे कैसे हो कब सके मौका मिलता तो है। अभी अभी डरते डरते मैंने वो गीतांजलि श्री का उपन्यास है ना, वो रेत समाधि, बहुत लक्षण है हाँ वो, राजकमल हाँ प्रकाशन समूह के फेसबुक पर वो भी होगा कहीं, अगर आप देख सकें तो देख लीजिएगा। बिल्कुल, शेयर भी कर देते हैं सर उसको ढूंढ के, ताकि अच्छा लोगों को हाँ आसान ठीक, हो जाएगा हाँ हाँ ढूंढने हाँ में। कर दो तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा बिल्कुल बिल्कुल वो, बिल्कुल। हालांकि बहुत एंड डरते सर, डरते वो सर भी कोई बात नहीं सर, ये आज का सेशन खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए आपकी कुछ, आपकी तरफ से कुछ लाइनें टू कंप्लीट द सेशन टुडे, समापन के तौर पर। मैं अंग्रेज जी की दो पंक्तियों से ये बात पूरी करूंगा, जिसका अर्थ ही बताऊंगा कि भोर जगा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। तो मैंने देखा धूप से, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं, उन्होंने ये कहा है कि धूप से अंजलि भर ये उजाला मांगा, नहीं वो धूप से उजाला मांगा तिनके की नोक भर, धूप से हरियाली मांगी, हवा से एक सांस भर को लहरील प्रवाह श्वास मांगा, और आकाश से मांगी असीमता आंख की झपकी भर उधार, सबसे उधार मांगा सबने दिया, यों मैं जिया और जीता हूं। तो भैया आपकी समझ हमारी समझ, आपकी नाक कान सब कहीं कहीं से, हमारे खानदान से, बाप दादों से, वंशधरों से, विचार यहां वहां से, कुत्सा, हीनता, बेईमानियां सब हम लेकर के आए हुए हैं, सब हम में समाया हुआ है, सब उधार है, अपना कुछ नहीं, यही बोलना था। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। बजाज सर, फिर एक बार आपका धन्यवाद, आप आ जाए, अरे और मुझे अच्छा लगा आपको, जितने भी लोग आए आप सभी का धन्यवाद, और आते रहिए, मिलते रहिए, बातचीत जारी रहेगी। धन्यवाद।